ससुराल में एक महिला को अपने ही पैसे का तगादा करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब बकायदार ने जहर खिलाकर महिला की हत्या कर दी। घटना परिहारा थाना क्षेत्र के बेला बहुआरा गांव की है। परिजनों ने बताया कि बहुआरा निवासी विनोद शाह ने अपनी बहन की शादी में मृतका उमा देवी से 1,30,000 उधार लिया था। लंबे समय बीत जाने के बाद भी उमा देवी ने अपने पैसे का तगादा करना शुरू किया, लेकिन जिसके बाद विनोद शाह एवं उसके परिजनों के द्वारा बार बार उमा को देवी के साथ मारपीट की जाती रही है। कल देर शाम जब उमा देवी विनोद शाह से अपना पैसा मांगने गई तो विनोद शाह ने उसे अपने घर से भगा दिया और बाद में अपने परिजनों के साथ आया और अपनी उंगली में जहर लगाकर जबरन खिलाकर उसकी हत्या कर दी। मृतका उमा देवी विधवा थी एवं उसका एकमात्र एक ही बेटा है जो बाहर रहता है। फिर बाद में ग्रामीणों ने उमा देवी के नैहर समस्तीपुर जिले के मऊ बाजार में इस घटना की सूचना दी। सूचना पाकर मृतका के भाई एवं अन्य परिजन पहुंचकर थाने में इस बात की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। अब पुलिस जांच के बाद पता चल पाएगा कि घटना का मूल कारण क्या है। और इनके घर पर चढ़ के जोड़ा थी मुंगली उंगली में जार लेकर लगाया हुआ था, उंगली में घुसा दिया थे मुंह में। इनके घर पर कोई नहीं था, बड़ा भागा जो हमारा हमारे घर पे था, उनको मालूम हुआ तो गए पैसा के लेन देन में। विनोद शाह के यहाँ बाकी था पैसा 1,30,000 रुपया, 3 साल से जो उसको तगड़ा जारी था।